हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सभी का फेवरेट चीज़ी और यमी पिज़्ज़ा। मैंने इस वीडियो में पिज़्ज़ा डो, पिज़्ज़ा सॉस को बनाने के तरीके को बहुत ही सिंपलीफाई किया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको अपडेट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम मैदा, 1 चम्मच ईस्ट, 1 चम्मच चीनी, 2 चुटकी नमक। पिज़्ज़ा पर लगाने के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस, और मैंने यहाँ 3 रंग की कैप्सिकम ली है, और लंबे कटे हुए प्याज, मोज़रेला चीज़, क्यूब्स में कटे पनीर, स्वीट कॉर्न, पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स। दोस्तों, इसमें पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़ को छोड़ सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं, और आप अपने मनपसंद वेजिटेबल से भी इसे बना सकते हैं। सबसे पहले डो बनाते हैं। उसके लिए हम एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी, यीस्ट, चीनी, नमक डालकर इसे मिला लेंगे। करीब 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए, ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसमें मैदा, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और ऑयल डालकर मिला लेंगे। हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से डो कर लेंगे। ये ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा ढीला। लीजिए, डो तैयार है। अब हम थोड़ा ऑयल लेकर इसे अच्छे से टक कर लेते हैं और इसे 2-3 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। इसे फूल का ऑलमोस्ट डबल हो जाना चाहिए, जब तक हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 6 बड़े टमाटर को गर्म पानी में डालकर इसका ऊपर का छिलका निकाल लिया है। टमाटर को काट कर हम इनके बीज अलग कर लेंगे। हमने सारे टमाटर के बीज निकाल लिए हैं। हम इनको मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेते हैं। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और जब ये हल्के से फ्राई हो जाएं, तो हम इसमें टमाटो पूरी डाल देंगे। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरेगानो डालकर मिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटो सॉस, थोड़ी सी चीनी और बटर डालकर मिक्स कर लेंगे। और 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस कम कर देंगे। ये देखिए, हमारे पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ये देखिए, हमारा डो भी अच्छे से उठकर तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा डो कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर की हवा निकल जाए। अब हम इसका गोला बनाकर इसे बेल कर इसे पिज़्ज़ा पैन पर रख देते हैं और इसे किनारों से हल्के हाथों से फैला लेते हैं। आइए, अब हम इस पर हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है लगा लेते हैं। इसे अच्छे से लगाकर फैला लें।
दोस्तों मैं जाली वाला पिज़्ज़ा पैन यूज़ करती हूँ ताकि पिज़्ज़ा बेस पर अच्छा क्रंच आ जाए। हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लेते हैं। अब हम इस पर मोज़रेला चीज़ अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। अब हम इस पर जो हमने तीन रंगों की कैप्सिकम ली है लगा लेते हैं। मैं तीन कलर की कैप्सिकम इसलिए लगा रही हूँ ताकि पिज़्ज़ा देखने में अच्छा लगे। आइए अब हम इस पर थोड़ा प्याज भी लगा लें। स्वीट कॉर्न भी चारों तरफ डाल लेते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा पनीर भी डाल लेते हैं। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल लेते हैं, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, एक बार फिर से थोड़ा सा चीज़ भी डाल लेते हैं। अब हमारा पिज़्ज़ा ओवन में जाने के लिए तैयार है। हमने ओवन को पहले से ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसे ओवन में रख देते हैं। मैं इसे 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। हम पिज़्ज़ा को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बेक करेंगे, ऊपर से 15 मिनट और नीचे से 5 मिनट, ताकि बेस पर अच्छा क्रस्ट आ जाए। बीस मिनट हो गए हैं, हम पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारा चीज़ी एंड सुपर यमी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेती हूँ। सच में बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। सुपर यमी। दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।